श्रीमद् देवी भागवत छठा स्कंद भगवान विष्णु के द्वारा महामाया का महत्व वर्णन, व्यास के द्वारा जन्मेजय के प्रति भक्ति की महिमा का कथन। नारद जी कहते हैं, मुझ ब्राह्मण नारद को देखकर राजा तालध्वज अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। सोचा, मेरी पत्नी कहाँ चली गई और मुनिवर नारद कहाँ से आ गए। उन्होंने बारंबार विलाप करना आरंभ कर दिया। कहा, हाँ प्रिय, मैं तेरे वियोग में पढ़कर विलाप कर रहा हूँ, मुझे छोड़कर तू कहाँ चली गई। सुचिष्मते, तेरे नेत्र कमल पत्र के समान विशाल हैं। विपुल श्रोणी, मैं अब क्या करूँ, तेरे बिना मेरा जीवन, क्रय और राज्य सब के सब व्यर्थ हैं। तेरे विरह से अब मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं। तू ना रही तो जीवन धारण करने से भी मुझे कोई प्रयोजन नहीं रहा। विशालाक्षी, मैं रो रहा हूँ तो प्रिय उत्तर देने की कृपा कर। तूने प्रथम मिलन में मेरे प्रति जो प्रेम दिखलाया था, वह अब कहाँ चला गया। सुभ्रो, क्या तू जल में डूब गई अथवा तुझे मछली एवं कछुए खा गए, या मेरे दुर्भाग्यवश तू वरुण के हाथ लग गई। अमृत के समान मधुर भाषण करने वाली प्रिय, तेरे सभी अंग बड़े मनोहर थे। तुझे धन्यवाद है जो पुत्रों के प्रति तूने सच्चा प्रेम दिखाया। मैं तेरा पति होकर दीन भाव से विलाप कर रहा हूँ। पुत्र स्नेह के पास से तू बंधी भी है, ऐसी स्थिति में मुझे छोड़कर तेरा स्वर्ग से धारना शोभा नहीं देता। कांते, मेरे दोनों ही सर्वस्व छिन गए, पुत्र मार ही चुके थे और तो प्राण प्यारे भी मेरे साथ नहीं रही। प्रिय, मैं अत्यंत दुखी हूँ, फिर भी मेरे प्राण शरीर से अलग नहीं हो रहे हैं। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। जगत में प्रतिकूल घटना उपस्थित करने वाले ब्रह्मा अवश्य बड़े निष्ठुर हैं। जो समान चित्त वाले स्त्री पुरुष का मरण सर्था विभिन्न समय में क्यों किया करते हैं। मुनियों ने स्त्रियों के लिए अवश्य बड़ा उपकार किया है कि जो उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि पति के मर जाने पर स्त्री उनके साथ चिता में जल जाए। इस प्रकार राजा तालध्वज विलाप कर रहे थे, तब भगवान श्री हरि ने अनेक प्रकार के युक्तिपूर्ण वचन कहकर उन्हें चुप कराया। श्री भगवान जी बोले, राजेंद्र क्यों रोते हो, तुम्हारी प्राण प्यारी स्त्री कहाँ गई। क्या तुम्हें शास्त्र श्रवण का अवसर नहीं मिला अथवा तुम ज्ञानी पुरुषों के संपर्क से सदा वंचित ही रहे हो। मैं कौन स्त्री थी, तुम कौन हो, कैसा संयोग और वियोग है। वेग पूर्वक बहने वाले इस संसार रूपी समुद्र में मनुष्यों का संबंध वैसा ही है जैसे नौका पर चढ़े हुए पथिकों का। महाराज, अब तुम घर जाओ, तुम्हारे इस व्यर्थ रोने धोने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता है। मनुष्यों का संयोग वियोग सदा देव के विधान पर निर्भर है। राजन, विशाल नेत्रों वाली इस सुंदरी से संबंध होने पर भोग विलास करने का अवसर तुम्हें प्राप्त हो चुका है। एक सरोवर पर इसके साथ तुम्हारा संयोग हुआ था, उस समय इसके माता पिता तुम्हें दिखाई नहीं पड़े थे। ये अवसर काकतालीय न्याय से जैसे आया था वैसे ही अब चला भी गया। राजेंद्र, शोक मत करो, काल की गति को रोकना बड़ा ही कठिन काम है। आप समय के अनुसार घर जाओ और वहां यथेष भोग भोगो। उस सुंदरी से जैसा तुम्हारा संयोग हुआ था वैसा ही वियोग भी हो गया, तुम जैसे के तैसे रह गए। राजन, अब घर जाकर राजकाज संभालो। भूपेंद्र, इस समय तुम्हारे रोने से वह स्त्री आ जाए यह सर्था संभव है। तुम व्यर्थ इस शोक के पचड़े में पड़े हो, अब कुछ योग साधन करने का यत्न करो। भोग समय अनुसार जैसे आता है उसी प्रकार चला भी जाता है, अतः इस असार संसार मार्ग में शोक करना अनुचित है। ना तो एक जगह सर्था सुखी रहता है और ना दुखी। घटिका यंत्र की भांति सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। राजन, स्वस्थ चित्त होकर सुखपूर्वक राज्य करो अथवा अब बंधु बांधों का प्रत्याग करके वन में रहने की व्यवस्था कर लो। प्राणियों का दुर्लभ मानव देह क्षण भंगुर है, इसके प्राप्त होने पर सम्यक प्रकार से आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। जिहा और जनन इंद्रियों के भोग तो पशु योनियों में भी मिल जाते हैं,
ज्ञान अधिक होने से मानव योनि को उत्तम मानते हैं, अन्य योनियों में यह शक्ति सुलभ नहीं रहती है। अतः तुम स्त्री जनित शोक का प्रत्याग करके घर चले जाओ। भक्ति जगदम्बा की यह महामाया है जिससे संपूर्ण जगत मोहित है। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के कहने पर राजा तालध्वज ने उन्हें प्रणाम करके भली भांति स्नान की विधि संपन्न की। तत्पश्चात वे अपने घर चले गए। अब उन नरेश के अंतःकरण के में अद्भुत वैराग्योदय हो गया। अतः अपने पुत्र को राज्य सौंपकर वे वन में सिधारे। उन्होंने तत्व ज्ञान के पूर्ण योग्यता प्राप्त कर ली। राजा तालध्वज के चले जाने पर मधुर मुस्कान से भरे मुखमंडल वाले जगत प्रभु भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त कर मैंने उनसे कहा, भगवान आपने मुझे ठग लिया था, किंतु माया की असीम शक्ति अब मेरी समझ में आ गई। स्त्री का शीर प्राप्त होने पर मेरे द्वारा जो घटनाएं घटी थी उन सबको अब मैं याद कर रहा हूं। अरे आप देवादिदेव परम पुरुष हैं, मुझे ये बताने की कृपा करें कि जब मैं सरोवर में प्रवेश करके स्नान करने लगा तब गोता लगाते ही मेरी पूर्व स्मृति क्यों नष्ट हो गई। स्त्री का शीर पाकर मैं मोहित हो गया था। जगत गुरु प्रतापी नरेश को मैंने पति रूप में वरण कर लिया, मानो इंद्र को पति बनाने वाली शची हो। देवेश उस समय का वह मन चित्त देह और चिन्ह स्मृति से दूर कैसे हो सकता है, वे बार बार याद आते रहते हैं। रमाकांत प्रभु इस विषय में मुझे महान आश्चर्य तो ये हो रहा है कि मेरा ज्ञान उस समय सर्था विलीन हो गया था। अब आप इसका कारण बताने की कृपा करें। स्त्री का शीर पाकर मैंने अनेक प्रकार के भोग भोगे। मैं निरंतर मद्रावान करता रहा। निषिद्ध भोजन करने से मुझे कोई हिचक नहीं रही। मैं ये कभी भी स्पष्ट नहीं जान सका कि मैं नारद हूं। उस समय जो घटनाएं उपस्थित हुई वे सभी अब मुझे अध्योपांत स्मरण आ रही हैं। भगवान विष्णु बोले, महामते नारद देख, ये सब महामाया का मनोरंजन है। उन्हीं के प्रभाव से प्राणियों के शरीर में अनेक प्रकार की दिशाएं उपस्थित होती रहती हैं। जैसे शीर धारियों में जागृत, स्वप्न और शक्ति आदि चार प्रकार की दिशाओं का क्रम निरंतर चालू रहता है, वैसे ही दूसरा शीर प्राप्त होना भी स्वाभाविक है, इसमें संदेह कैसा। सोया हुआ मनुष्य जानने सुनने और बोलने में भी असमर्थ रहता है, वही जब वह जाग जाता है तब सारी वस्तुएं उसे ज्ञात हो जाती हैं। उसका नींद से चित्त विचलित हो जाता है, मन में अनेक प्रकार के बहुत से स्वप्न उठा करते हैं। मनुष्य स्वप्न में देखता कि हाथी मुझे मारने आ रहा है, मैं भागने में असमर्थ हूं, क्या करूं, मेरे लिए दूसरा कोई स्थान भी तो नहीं है जहां तुरंत भाग चलूं। कभी स्वप्न में देखता हूं कि मेरे पिता में अपने घर पर पधारे हुए हैं, उनसे मिलता हूं। कभी परस्पर बातचीत होती है और एक साथ बैठकर हम लोग भोजन करते हैं। जागने पर उसे मालूम हो जाता है कि ये सुख दुख संबंधी बातें मैंने स्वप्न में देखी हैं। उन सभी बातों को याद करके वह जनता के समक्ष विस्तार पूर्वक कहता भी है। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति स्वप्न में निश्चय नहीं जान पाता है कि यह ब्रह्म है, वैसे ही महामाया का ऐश्वर्य समझ में आ जाना बड़ा ही कठिन काम है। नारद, महामाया के गुणों की दुर्लंघ्य सीमा को जानने में शंकर और ब्रह्मा भी असफल हैं। फिर मंद बुद्धि वाला दूसरा कौन मनुष्य इसके वास्तविक रहस्य को जान सकता है। जगत में महामाया के गुणों की ईता किसी की भी समझ में नहीं आ सकी है। उन्होंने इस संपूर्ण चराचर जगत को सत्तर रज और तम इन तीन गुणों द्वारा रचा है। उक्त गुणों के अभाव में यह संसार तनिक देर भी स्थित नहीं रह सकता। मुझ में सत्वगुण प्रधान है, रजोगुण और तमोगुण गौण रूप से रहते हैं। यदि तीनों गुण ना रहें तो मैं कभी भी भूमंडल का शासक नहीं बन सकता। इसी प्रकार तुम्हारे पिता ब्रह्मा में रजोगुण प्रधान है, तमोगुण और सत्वगुण भी उनमें भी हैं। इन दोनों गुणों से रहित होकर वे कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे ही शिव में तमोगुण की विशेषता है, रजोगुण और सत्वगुण उनमें अप्रधान
रूप से रहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें ये तीनों गुण ना हो। अभी अभी माया का प्रभाव तुम देख चुके हो, अनेक प्रकार के कितने भोग तुम्हारे सामने उपस्थित हुए और तुम्हारे द्वारा भोगे गए। महाभाग, फिर महामाया के इस अद्भुत चरित्र के विषय में तुम मुझसे क्या पूछते हो? तो व्यास जी कहते हैं, महाराज जन्मेजी, मैंने योग माया के जिस महत्व को नारद जी के द्वारा सुना है उसे विस्तार पूर्वक कहता हूं, सावधान होकर सुनो। मुनिवर नारद जी सर्वज्ञ शिरोमणि हैं। स्त्री का शीर प्राप्त होने पर उनके सामने जो प्रसंग उपस्थित हुआ था उसे सुन लेने के पश्चात मैंने उनसे पूछा, नारद जी अब ये बताने की कृपा करें कि इसके बाद जगत प्रभु भगवान विष्णु ने आपसे क्या कहा तथा आपके साथ वे किधर पधारे? तो नारद जी बोले, उस अत्यंत मनोहर सरोवर पर बातचीत होने के पश्चात भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठे और उन्होंने वैकुंठ जाने की बात सोच ली। उस समय उन्होंने मुझसे कहा, नारद अब तुम अपने अभी स्थान पर पधारो अथवा मेरे परम धाम में चल सकते हो, ये तुम्हारी जैसी इच्छा हो करने में स्वतंत्र हो। तब मैं श्री हरि से आज्ञा लेकर ब्रह्मलोक चला गया। वे प्रभु भी मुझे उपदेश देने के उपरांत तुरंत गरुड़ पर बैठे और आनंदपूर्वक वैकुंठ पधारे। जब भगवान विष्णु चले गए तब परम अद्भुत सुख दुख के संबंध में विचार करता हुआ मैं अपने पिता ब्रह्मा जी के भवन पर पहुंचा। वहां जाकर मैंने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और सामने बैठ गया। मुनि, उस समय मुझे चिंता के कारण आतुर देखकर पिताजी ने पूछा, ब्रह्मा जी ने कहा, महाभाग तुम कहाँ गए थे? बेटा क्यों इतने घबराए हुए हो? मुनिवर, तुम्हारे मन में मैं इस समय स्थिर तुम्हारे मन को मैं इस समय स्थिर नहीं देख रहा हूं। किसने तुम्हें धोखे में डाल दिया है? क्या कोई अद्भुत दृश्य तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है? बेटा, मैं देखता हूं तुम अत्यंत उदास हो, तुम्हारी विवेक शक्ति कुंठित है, इसका क्या कारण है? तो नारद जी बोले, जब मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझसे इस प्रकार पूछा तब मैंने आसन पर बैठकर महामाया के प्रभाव से उत्पन्न हुआ सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। मैंने कहा, पिताजी अपार शक्तिशाली भगवान विष्णु की प्रवंचना में मैं फंस गया था। बहुत वर्षों तक स्त्री के वेश में रहने की व्यवस्था मेरे सामने उपस्थित हुई थी। पुत्र शोक से उत्पन्न हुए महान क्लेश मुझे भोगने पड़े हैं। फिर उन्हीं की अमृतमय कोमल वाणी ने मेरे अंतःकरण में ज्ञान का संचार भी किया है। उनकी आज्ञा से सरोवर में स्नान करते ही मैं पुरुषाकार नारद के रूप में परिणत हो गया। ब्राह्मण, उस समय मेरे मन में जो इस प्रकार का मोह उत्पन्न हो गया था इसका क्या कारण है? स्त्री वेश प्राप्त होते ही मेरा पूर्व ज्ञान पता नहीं कहां चला गया। ब्राह्मण, यह माया बल मेरी समझ से बाहर है। कारण, यह माया अत्यंत दुरु ज्ञान संहारक एवं मोह की स्पष्ट प्रवर्तका जो ठहरी। संपूर्ण शुभ और अशुभ परिस्थितियां सामने आईं और उनका अनुभव करके मैं सम्यक प्रकार समझ भी गया, पिताजी इस माया को कैसे जीता जाए, इसका उपाय आप बताने की कृपा करें। तो नारद जी कहते हैं, व्यास जी, जब मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी को ये सारी बातें बतला दी तब वे हंसकर प्रसन्नता पूर्वक मुझसे कहने लगे। ब्रह्मा ने कहा, संपूर्ण देवता महात्मा मुनि तपस्वी ज्ञानी तथा वायु पीकर योग के अभ्यास में तत्पर योगी भी इस माया को सुगमता पूर्वक जीतने में असमर्थ हैं। इस असीम शक्तिशाली माया को सम्यक प्रकार से जानने में मेरी बुद्धि भी असफल है। सृष्टि स्थिति और संहार करने वाली ये महामाया प्रायः सभी के लिए दुर्विज्ञ है। काल कर्म और स्वभाव आदि निमित्त कारण इसके सहयोगी हैं। विद्वन, इस प्रकार की अपरिमित शक्ति रखने वाली महामाया के विषय में तुम शोक मत करो, साथ ही तुम्हें आश्चर्य भी नहीं करना चाहिए, कारण हम सभी इसके प्रभाव से मोहित हैं। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, पिताजी के वचन सुनकर मेरे आश्चर्य दूर हो गया। तब मैं उनसे आज्ञा लेकर उत्तम तीर्थ को देखता हुआ यहां आ पहुंचा।
अतः कौरवों में सर्वोत्तम व्यास जी, तुम भी कौरवों के नाश से उत्पन्न हुए मोह का परित्याग करके भक्ति जगदम्बा में चित्त लगाकर यहाँ सुखपूर्वक समय व्यतीत करो। अपने द्वारा ऊंच तथा नीच जो कर्म बन चुके हैं उनका फल अवश्य भोगना पड़ता है। इस बात का हृदय में निश्चय करके आनंद पूर्वक विचरण करना चाहिए। व्यास कहते हैं, राजन इस प्रकार कहकर मुझे समझाने के बाद नारद जी वहां से पधार गए। उनकी कई बातों पर विचार करता हुआ मैं सरस्वती नदी के तट पर ठहर गया। उस समय उत्तम शाश्वत कल्प चल रहा था। समय व्यतीत करने के विचार से मैंने श्रीमद देवी भागवत की रचना आरंभ कर दी। राजन, ये श्रेष्ठ पुराण संपूर्ण संदेहों को दूर करने वाला, अनेक प्रकार के उपाख्यानों से संयुक्त तथा वेद के प्रमाण से ओतप्रोत है। राजेंद्र, इसमें संदेह करना सर्वथा अनुचित है। जिस प्रकार कोई इंद्रजाल करने वाला व्यक्ति काठ की पुतली हाथ में लेकर उसे अपने अधीन इच्छा अनुसार नचाया करता है, वैसे ही ये माया चराचर संपूर्ण जगत को नचाने में लगी रहती है। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत जितने पांच इंद्रियों से संबंध रखने वाले देवता, दानव एवं मानव हैं, वे सभी मन और चित्त का अनुसरण करते हैं। राजन, सत्य, रज और तम, ये तीन गुण ही सत्ता सब में कारण होते हैं। कारण कार्य कारण को लेकर ही होता है, ये बिल्कुल निश्चित है। माया से उत्पन्न हुए तीनों गुण पृथक पृथक स्वभाव के होते हैं, क्योंकि शांत, रुद्र और मूढ़ तीन प्रकार का भेद इसमें पाया जाता है। भला सदा इन गुणों का आश्रित पुरुष इनके अभाव में कैसे कायम रह सकता है? जिस प्रकार संसार में तंतु विहीन पट की सत्ता मानना असंभव है, वैसे ही तीनों गुणों से हीन प्राणी के विषय में समझना चाहिए, यह बिल्कुल निश्चित बात है। नरेंद्र, देवता, मानव अथवा पशु, किसी का भी शरीर गुण रहित होने पर वैसे ही कायम नहीं रह सकता जैसे मिट्टी के बिना खड़ा नहीं रह सकता। गुणों का संयोग होने से ही इन ब्रह्मा आदि प्रधान देवताओं के मन में कभी प्रसन्नता होती है, कभी उदासीनता छा जाती है और ये कभी विषादग्रस्त भी हो जाते हैं। ऐसे ही सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी चौदों मनु प्रत्येक युग में गुणों के अधीन रहकर कार्यभार संभालते हैं। फिर राजेंद्र, इस जगत में रहने वाले अन्य साधारण व्यक्तियों के लिए कौन सी बात है? देवता, दानव, मानव आदि सारा प्राणी जगत माया के अधीन है। अतएव राजन, इस विषय में कदापि संदेह नहीं करना चाहिए। प्राणी माया की अधीनता में रहकर उसकी आज्ञा अनुसार ही चेष्टा करता है। वे माया परम तत्व के रूप में सदा सम्मिलित रहती है। उस परम तत्व की आज्ञा पाकर प्राणियों को प्रेरित करना इसका नित्य का कार्य है। उस माया को सहचरी रूप में स्वीकार करने वाली भक्ति परमेश्वरी सदा उसे साथ लिए रहती है। इसलिए सच्चिदानंद में विघ्न धारण करने वाली उन भक्ति को माहेश्वरी कहा जाता है। उनके ध्यान, पूजन, नमस्कार और जप में सदा तत्पर रहना चाहिए। इससे अपनी दयालुता के कारण वे प्राणी को माया रहित बना देती है। अपनी अनुभूति प्रदान करके वे माया को हर लेती है। अतः इन भक्ति परमेश्वरी को भुवनेश्वरी कहा गया है। इसके समान त्रिलोकी में कोई सुंदरी नहीं है। राजन, यदि इसके रूप का ध्यान करने में चित्त निरंतर लग जाए तो सद सत स्वरूपनी माया अपना क्या प्रभाव डाल सकती है? अतः यदि माया को दूर करने की इच्छा हो तो सच्चिदानंद स्वरूप ने भक्ति जगदम्बा की आराधना छोड़कर अन्य किसी की उपासना करना अनुचित है। जिस प्रकार अंधकार किसी दूसरे सघन अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं हो सकता, किंतु उसे मिटाने में सूर्य, चंद्रमा, बिजली अथवा अग्नि के तेज ही समर्थ हैं, उसी प्रकार माहेश्वरी भक्ति जगदम्बा ही अपने प्रभाव से माया को दूर करती है, ऐसा जानना चाहिए। अतः माया गुणों से निवृत्त होने के लिए प्रसन्नता पूर्वक भक्ति की उपासना करनी चाहिए। राजेंद्र, वृत्रासुर वध आदि कथा के विषय में तुमने जो प्रश्न किया था उसका वर्णन मैं सम्यक प्रकार से कर चुका। आप दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हो सुव्रत?
श्रीमद् देवी भागवत पुराण के इस पूर्वार्ध को मैंने कह सुनाया। इसमें देवी की महिमा विस्तार पूर्वक कही गई है। भक्ति जगदम्बा का ये रहस्य जिस किसी को नहीं सुनाना चाहिए। जो भक्त शांत स्वभाव, देवी भक्ति का प्रेमी, शिष्य, अपना बड़ा पुत्र अर्थात गुरु भक्ति से युक्त हो, उसके सामने ही इसका वर्णन करें। ये प्राण संपूर्ण प्राणों का सार, समस्त वेदों की तुलना करने वाला एवं परमाणु से परिपूर्ण है। जो मानव भक्तिपूर्वक उच्च विचार से इसका पाठ एवं श्रवण करता है, वह निश्चय ही इस जगत में ज्ञानी और धनी होने का सौसर प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से छठे स्कंद के 30-31 अध्याय पूर्ण हुआ। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का छठा स्कंद समाप्त। श्रीमद् देवी भागवत सातवां स्कंद, व्यास जी के प्रति जन्मेजय का सृष्टि विषयक प्रश्न। सूजी कहते हैं, तपस्वियों, इस दिव्य कथा को सुनने के पश्चात परीक्षित नंदन धर्मात्मा राजा जन्मेजय ने प्रसन्नतापूर्वक पुनः व्यास जी से पूछा। जन्मेजय ने कहा, स्वामिन, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के वंश का विशद वर्णन सम्यक प्रकार से मैं सुनना चाहता हूं। अनग, आप सर्वज्ञ हैं, पाप शमन करने वाली ये कथा कहने की कृपा कीजिए। इन दोनों वंशों के राजाओं का परिचय कराइए। मैंने सुना है कि वे सभी भक्ति जगदम्बा के उपासक थे। इस प्रकार राज ऋषि जन्मेजय के पूछने पर सत्यति नंदन मुनिवर व्यास जी उनसे कहने लगे। व्यास जी बोले, महाराज, सूर्यवंश, चंद्रवंश तथा अन्य वंशों से भी संबंध रखने वाली कथाओं का वर्णन करता हूँ, सुनो। भगवान विष्णु के नाभि कमल से चार मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तपस्या करने के पश्चात उन्होंने अत्यंत कठिनता से साक्षात्कार होने वाली महादेवी की उपासना की। भक्ति ने उन लोकपिता में ब्रह्मा जी को वर प्रदान किया, तब वे सृष्टि करने में समर्थ हुए। फिर भी मानवीय सृष्टि में उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। इस मानवीय सृष्टि के लिए उनके मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हुए, किंतु तुरंत विस्तार कर देना उनकी शक्ति से बाहर ही रहा। तब ब्रह्मा जी ने 7 मानस पुत्र उत्पन्न किए, मरीचि, अंगरा, अत्रि, वशिष्ठ, पुलय, क्रतु और पुलस्त। इन नामों से उन मानस पुत्रों की प्रसिद्धि हुई। ब्रह्मा जी के रोष से रुद्र का और गोद से नारद का प्राकट्य हुआ। अंगूठी से दक्ष प्रजापति निकले। ऐसे ही अन्य भी सनक आदि मानस पुत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। बाएं हाथ के अंगूठे से दक्ष पत्नी प्रकट हुई, जिनके सभी अंग बड़े ही सुंदर थे। राजन, प्राणों में वे वीरनी नाम से विख्यात है, उन्हें असिकनी भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देव ऋषि प्रवर नारद जी उन असिकनी के उदर से उत्पन्न हुए हैं। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, इस विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। अभी आप कह चुके हैं कि दक्ष के संयोग में रहकर वीरनी महान तपस्वी नारद जी की जननी हुई। ये बात कैसे संगत हुई? क्योंकि धर्म के पूर्ण वेता परम तपस्वी नारद जी तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं, फिर दक्ष पत्नी वीरनी उनकी माता कैसे हुई? आप इसे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। मुनि, प्रचुर ज्ञानी महात्मा नारद जी ने किसके शाप से और क्यों अपने पूर्व शरीर का त्याग करके किस कारण पुनः जन्म धारण किया? तो व्यास जी कहते हैं, संभव ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति को सृष्टि के लिए आज्ञा दी कि तुम प्रजा की रचना में तत्पर हो जाओ, जिससे बहुसंख्यक प्रजा उत्पन्न हो जाए। उनकी आज्ञा पाकर दक्ष प्रजापति ने वीरनी के गर्भ से 5,000 अत्यंत प्राकर्मी पुत्र उत्पन्न किए। उन सभी पुत्रों में प्रजा की सृष्टि का अदम्य उत्साह भरा था। बलवान काल की प्रेरणा के अनुसार देवऋषि नारद उन पुत्रों को देखकर हंसते हुए कहने लगे, अजी, ये पृथ्वी कितनी लंबी चौड़ी है, इसका पता लगाए बिना ही प्रजा की सृष्टि में तुम कैसे तत्पर होगे? ऐसा करने से जगत में तुम्हारा उपहास होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः पहले पृथ्वी की सीमा जानकर ही तुम्हें इस कार्य में लगना चाहिए।
ऐसा करने से ही तुम्हें इस कार्य में सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा तुम्हारा सारा प्रयास व्यर्थ है। व्यास जी कहते हैं, नारद जी के यो कहने पर देववश दक्ष कुमार हर्यशों के मन में ये बात जच गई। वे एक दूसरे की ओर देखते हुए सहसा कहने लगे, मुनिवर ने बहुत ठीक कहा है, अतः पृथ्वी का प्रमाण जान लेने के पश्चात ही हम प्रजा की सृष्टि में सुखपूर्वक लगे। इस प्रकार परामर्श करके वे सभी पृथ्वी का पता लगाने के लिए चल पड़े। नारद जी के कथन के अनुसार पृथ्वी के सर्वांग की जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ लोग पूर्व दिशा में, कुछ दक्षिण में, कुछ पश्चिम और कुछ उत्तर दिशा की ओर उत्साहपूर्वक चल पड़े। पुत्र को चला जाता देखकर दक्ष प्रजापति के मन में महान कष्ट हुआ। वे बड़े दृढ़ प्रतिज्ञ थे, अतः प्रजा सृष्टि के विचार से उन्होंने पुनः बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। वे लड़के भी प्रजा की सृष्टि करने के प्रयत्न में संलग्न हो गए। नारद जी ने पहले की ही भांति उन पुत्रों को भी समझाकर भेज दिया। उन पुत्रों का भी चला जाना देखकर दक्ष के मन में रोष उत्पन्न हो गया और उन्होंने क्रोध में आकर नारद जी को शाप दे दिया। दक्ष जी ने कहा, नारद, तुमने जिस प्रकार मेरे बहुत से पुत्रों को नष्ट कर दिया है, उसी प्रकार तुम भी नष्ट हो जाओ। इस पाप के परिणाम स्वरूप तुम्हें घर में रहना पड़ेगा, कारण तुमने मेरे बहुत से पुत्र नष्ट कर दिए। इस प्रकार के शाप से ग्रस्त होकर नारद जी वीरनी के गर्भ से प्रकट हुए। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने वीरनी के उदर से 60 कन्याएं उत्पन्न की। प्रजापति दक्ष धर्मज्ञ पुरुष थे। उन्होंने उन 60 कन्याओं में 13 कन्याओं का विवाह महात्मा कश्यप के साथ कर दिया। उनकी आज्ञा से 10 धर्म की, 27 चंद्रमा की, 2 भृगु की और 4 अरिष्टनेमी की पत्नी हुई। 2 कन्याओं का विवाह अंगरा के साथ किया गया, शेष 2 रही। उन्हें भी पुनः अंगरा को ही सौंप दिया। सभी देवता और दानव उन्हीं कन्याओं के पुत्र पौत्र हैं। सभी बड़े पराक्रमी हुए, किसी से किसी को प्रेम नहीं था। द्वेष के कारण परस्पर शत्रुता ठनी रहती थी। सभी शूरवीर थे, पर माया के अत्यंत प्रभाववश वे मोह में पड़े रहते थे। श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंद में राजा श्रेयाति की कथा का आरंभ, सुकन्या के द्वारा महर्षि च्यवन के नेत्रों का छेदा जाना, महर्षि के कोप से श्रेयाति का ससैन्य अस्वस्थ होना, च्यवन का अपने साथ सुकन्या का विवाह करने के लिए कहना और सुकन्या की प्रसन्नता से च्यवन के साथ उसका विवाह। जनमेजय ने कहा, महाभाग, अब आप राजाओं के वंश का वर्णन विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। धर्म के पूर्णवेता सूर्यवंशी राजाओं की वंशावली का विशद रूप से वर्णन कीजिए। व्यास कहते हैं, भारत ऋषि सत्तम, नारद जी के मुख से मैं जैसे सुन चुका हूं उसी के अनुसार सूर्यवंश का विस्तृत वर्णन करता हूं। ध्यानपूर्वक सुनो, एक समय की बात है, श्रीमान नारद जी स्वेच्छापूर्वक विचरते हुए सरसी नदी के पावन तट पर पधारे। वही एक पवित्र आश्रम पर मैं रहता था। मैंने सामने उपस्थित होकर सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया, बैठने के लिए सामने आसन बिछा दिया और आदरपूर्वक मुनि की पूजा की। विधिवत पूजा करने के पश्चात मैंने उनसे कहा, मुनिवर, आप मेरे परम पूज्य हैं, आपके यहाँ पधारने से मैं पवित्र हो गया। मुनि, आपसे कोई बात अविदित नहीं है, आप इन 7वें मनु के वंश में जो विख्यात राजा हो चुके हैं उनके चरित्र से संबंध रखने वाली पवित्र कथा सुनाइए। नारद जी कहते हैं, सत्यवती नंदन व्यास जी, राजाओं की अत्यंत उत्तम वंशावली सुनो। कानों को सुख पहुंचाने वाला यह प्रसंग धर्म और ज्ञान आदि से संपन्न है। प्राणों में ऐसी कथा प्रसिद्ध है कि सर्वप्रथम जगत श्रष्टा ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुई। संपूर्ण जगत के रचयिता शंभु ब्रह्मा जी सर्वज्ञानी एवं सर्वशक्ति संपन्न थे। सृष्टि करने के विचार से उन विश्वात्मा विभू ने पहले श्रेष्ठ शक्ति की आधारभूता भक्ति जगदम्बा का ध्यान करते हुए 10,000 वर्षों तक तपस्या की।
अंतर उत्तम लक्षण वाले मानस पुत्र को प्रकट किया। उन मानस पुत्रों में सर्वप्रथम मरीचि प्रकट हुए। मरीचि से परम प्रसिद्ध कश्यप जी का जन्म हुआ। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं उन कश्यप जी की पत्नी हुईं। देवता दानव यक्ष सर्पगण पशु और पक्षी सब उन्हीं से उत्पन्न हुए। अतः काश्यपी सृष्टि कही जाती है। देवताओं में श्रेष्ठ सुने हुए उन्हीं का नाम विवस्वान भी है। उन्हीं के पुत्र विवस्वत मनु को जगत का शासन कार्य सौंपा गया। विवस्वत मनु से सूर्य वंश की वृद्धि करने में परम कुशल इक्ष्वाकु उत्पन्न हुए। फिर उनके 9 भाई और हुए राजेंद्र। उन 9 भाइयों के नाम बतराता हूं, एकाग्रचित होकर सुनो। नाभाग धृष्ट शर्याति नरस्यंत प्रांशु निरिग दिष्ट क्रूश और पृष्घन, यही 9 मनुपुत्र नाम से विख्यात हैं। इन मनुपुत्रों से सर्वप्रथम इक्ष्वाकु का जन्म हुआ, अतः वे सबसे बड़े कहे जाते हैं। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए, उन सब में आत्मज्ञानी विकुक्षी श्रेष्ठ माने जाते हैं। मनु के ये 9 पुत्र बड़े शूरवीर थे। मनु के पश्चात इनकी जो वंशावली बड़ी उसका संक्षेप में वर्णन करता हूं, सुनो। नाभाग के पुत्र परम प्रतापी अम्बरीश हुए। वे धर्मज्ञानी सत्यवादी और प्रसिद्ध प्रजापालक थे। धृष्ट से धार्ष्ट का जन्म हुआ। धार्ष्ट क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण बन गए। संग्राम विषयक उत्साह उनके हृदय से जाता रहा। उनके द्वारा सम्यक प्रकार से ब्राह्मण का कर्म होने लगा। शर्याति से अनार्थ का जन्म हुआ, जिनका नाम सभी जानते हैं। सुकन्या नाम की एक परम सुंदरी पुत्री भी उत्पन्न हुई। राजा शर्याति ने अपनी उस सुंदरी कन्या का विवाह नेत्रहीन च्यवन मुनि के साथ कर दिया। बाद में उस कन्या के शील और गुण के प्रभाव से मुनि को आंखें सुलभ हो गई। सूर्यनंदन अश्विनी कुमारों ने मुनि को नेत्र प्रदान कर दिए। राजा जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण आपने इस कथा के प्रसंग में जो ये बात कही है कि राजा शर्याति ने अंधे मुनि के साथ अपनी सुलोचना कन्या का विवाह कर दिया, सो ये विषय बहुत संदेह उत्पन्न कर रहा है। उनकी वह कन्या कुरूप गुणहीन शुभ लक्षणों से रहित होती तब तो उसका संबंध राजा एक अंधे के साथ कर भी सकते थे, परंतु ऐसी परम सुंदरी कन्या का विवाह च्यवन मुनि को नेत्रहीन जानते हुए भी उनके साथ कैसे कर दिया? ब्राह्मण मुझे इसका कारण बताने की कृपा करें। तो सूर्य कहते हैं, परीक्षित नंदन, राजा जन्मेजय की ये बात सुनकर व्यास जी राजा से कहने लगे। व्यास जी बोले, विवस्वत मनु के पुत्र का नाम श्रीमान राजा शर्याति था। उनके 4000 भार्याएं थी। वे सभी राजकुमारियां अत्यंत सुंदरी एवं संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उन सब के बीच में एक परम सुंदरी कन्या थी जिसका उसका नाम था सुकन्या। वे कन्या पिता और समस्त या माताओं के लिए अत्यंत स्नेह की पात्री थी। नगर से थोड़ी दूर पर मान सरोवर की तुलना करने वाला एक सरोवर था। उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बंधी थी। वह निर्मल जल में परिपूर्ण था। हंस और चक्रवाक उसकी अनुपम शोभा बढ़ा रहे थे। जलकाक और सारस आदि पक्षियों से उस तालाब का सारा भाग भरा था। उसे 5 प्रकार के कमल खिले थे और उन पर भोरों का झुंड मुंडरा रहा था। बहुत से सुंदर वृक्ष उस सरोवर के तटों को घेरे थे। साखू तमाल देवदारू जायफल और अशोक उसे शोभित कर रहे थे। वट पीपल कदम केवल केला नींबू अनार खजूर कटल सुपारी नारियल केतकी कचनार जूही और मालती आदि सुंदर एवं स्वच्छ वृक्षों से वह सम्यक प्रकार से संपन्न था। जामुन आम तिंतनी करज कोरिया पलाश नीम खैर और बेल आदि के वृक्षों से उसकी शोभा बढ़ रही थी। कोकिल और मोरों की ध्वनि से वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। उस सरोवर के बिल्कुल पास में ही वृक्षों से घिरे हुए एक पवित्र स्थान पर च्यवन मुनि निवास करते थे। उन तपस्वी मुनि के चित्त में सदा शांति बनी रहती थी। उस स्थान को निर्जन समझकर उन्होंने मन को एकाग्र करके तपस्या आरंभ कर दी। वे आसन जमा कर बैठे थे। उन्होंने मौन धारण कर रखा था। प्राणों पर उनका पूरा अधिकार था। सभी इंद्रियां उनके वश में थी। उन तपोनिधि ने भोजन भी बंद कर दिया था।
वे निर्जल रहकर भक्ति जगदम्बा का ध्यान करते थे। राजन, उनके शीर पर चारों ओर से लताएं चढ़ गई थी। धीमकियों ने उन्हें अपना घर बना लिया था। बहुत दिनों तक यो बैठे रहने के कर चीटियां उन पर चढ़ गई थी और उनसे वे घिर गए थे। ऐसा जान पड़ता था मानो केवल मिट्टी के धुएं हो। एक समय की बात है, राजा श्रेयाति इस श्रेष्ठ स्थान पर आए। सरोवर का जल सर्था स्वच्छ था, कमल खिले हुए थे। लक्ष्मी की तुलना करने वाली सुकन्या बाल सुलभ चपलता के कारण अपनी सखियों के साथ वन में जाकर पुष्प तोड़ती हुई घूमने लगी। इधर उधर चक्कर काटती वह राजकुमारी च्यवन मुनि के निकट पहुंच गई। मुनि का शीत दीमकों का घर बन गया था। उसी के समीप सुकन्या खेल रही थी। उसे बलमीक के छिद्र से चमकने वाली दो ज्योतियां दिखाई पड़ी। ये ज्योतियां क्या है? ऐसी जिज्ञासा उठने पर उस सुंदरी राजकुमारी के मन में आया कि आवरण हटाकर देखा जाए। फिर तो तुरंत ही एक नोकदार कांटा लेकर उससे वह ऊपर की मिट्टी हटाने लगी। अब पास आकर उद्यम करने वाली उस कन्या पर मुनि के नेत्र पड़ गए। वह राजकुमारी च्यवन मुनि के देखने में आ गई। अन्न और जल का प्रत्याग कर देने से परम तपस्वी मुनिवर च्यवन का शीर अत्यंत क्षीण हो चुका था। कल्याणी सुकन्या को देखकर वह उनसे कहने लगे, सुंदरी दूर चली जाओ, मैं तो एक तपस्वी हूं, इस दीमक की मिट्टी को कांटे से हटाना ठीक नहीं है। मुनि के कहने पर भी राजकुमार की उनकी बातें नहीं सुन सकी। ये कौन सी अद्भुत वस्तु झलक रही है? ये कहकर उसने मुनि के नेत्र कांटे से छेद दिए। देव की प्रेरणा से खेली खेल में राजकुमारी के द्वारा यह अप्रिय घटना घट गई। आंख फूट जाने से मणि को असीम कष्ट होने लगा। फिर तो उसी क्षण से समस्त सैनिकों के मलमूत्र बंद हो गए। मंत्री सहित राजा पर भी यह कष्ट छा गया। यहां तक कि हाथी घोड़े और ऊंट जितने प्राणी थे सभी इन व्याधि से ग्रस्त हो गए। ऐसी स्थिति में राजा श्रेयाति बड़े चिंतित हुए। तब राजा श्रेयाति ने इस कष्ट के कारण पर विचार किया। कुछ समय विचार करने के पश्चात राजा घर पर आए और अपने परिजनों तथा सैनिकों से अत्यंत आतुर होकर पूछने लगे, किसके द्वारा यह अप्रिय कार्य हुआ है? इस तालाब के पश्चिम तट पर वन में महान तपस्वी मुनिवर च्यवन कठिन तपस्या कर रहे हैं। वे अग्नि के समान तेजस्वी हैं, होना हो किसी के द्वारा उन्हीं का कोई अपकार हो गया है। इसी से सबके शिरों में ऐसी व्याधि उत्पन्न हो गई है, ये बिल्कुल निश्चित है। भृगुनंदन महात्मा च्यवन जी परम वृद्ध एवं विशिष्ट आदरणीय पुरुष हैं। मेरी समझ से अवश्य किसी ने उनका अनिष्ट कर दिया है। यह अनिष्ट काम जानकर किया गया है अथवा अनजान में इसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। राजा की यो कहने पर दुख से घबराए हुए सैनिकों ने कहा, मन वाणी और कर्म द्वारा हमसे तो कोई मुनि का अपकार हुआ नहीं। तो व्यास कहते हैं, राजा श्रेयाति अत्यंत चिंतित तो उठे थे। इस प्रकार सबसे पूछने के पश्चात उन्होंने बड़ी शांति के साथ अपने मंत्रिमंडल से भी पूछा। तब राजकुमारी सुकन्या ने सारी जनता तथा पिताजी को दुखी देखकर विचार किया कि मेरे द्वारा उन छेदों में सुई चुभा दी गई थी, यही कारण हो सकता है। अतः उसने कहा, पिताजी मैं उस वन में खेल रही थी, वहीं मिट्टी का एक मजबूत धुआं सा दिखाई पड़ा। उसके चारों ओर लताएं फैली थी, उसमें दो छिद्र दृष्टिगोचर हो रहे थे। उन छेदों में से बड़ा प्रकाश निकल रहा था। महाराज, मैंने कौतूहलवश उन छिद्रों में सुई चुभो दी। पिताजी, उससे मैंने देखा वह सुई जल से भीग गई थी, साथ ही उस बलमीक में से हा हा की एक धीमी आवाज भी मुझे सुनाई पड़ी। पिताजी, तब मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गई, ये क्या हो गया? इस शंका से मेरा हृदय भर गया। पता नहीं मेरे द्वारा उस बलमीक में कौन सी वस्तु छिद गई थी। राजा श्रेयाति सुकन्या की एक कोमल वाणी सुनकर समझ गए कि यही मुनि की अवहेलना हुई है। अब वे तुरंत बलमीक के पास पहुंचे। वहां उन्होंने महान कष्ट में पड़े हुए परम तपस्वी च्यवन मुनि को देखा। मुनि के शीर पर दीमक की मिट्टी चढ़ी हुई थी। उन्होंने उसे धीरे से दूर हटाया और धरती पर पड़कर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर वे कहने लगे, महाभाग, मेरी कन्या खेल रही थी,
उसी के द्वारा यह भारी दुष्कर्म हो गया है। वह अभी बिल्कुल अभोत बालका है, उसने अज्ञानवश ऐसा कर दिया है। आप उसके इस अपराध को क्षमा कर दें, तो मुनियों का स्वभाव ही क्षमा करना है। मैंने ये सुन रखा है, अतः आप भी इस अवसर पर इस बालका का अपराध क्षमा कीजिए। तो व्यास कहते हैं, राजा शरियाती अत्यंत दुखी होकर नम्रतापूर्वक सामने खड़े थे। उनकी बात सुनकर च्यवन मुनि ये वचन बोले। च्यवन मुनि ने कहा, राजन, मैं कभी किंचन मात्र भी क्रोध नहीं करता। यद्यपि तुम्हारी पुत्री ने मुझे कष्ट पहुंचाया है, परंतु मैंने कोई शाप नहीं दिया। महीपते, मुझ निरपराधी व्यक्ति की आंखों में बड़ी पीड़ा हो रही है। मैं जानता हूं इस नीच कर्म के प्रभाव से तुम पर कष्ट आ गया है। ठीक ही है, देवी भक्त के प्रति घोर अपराध करके कौन व्यक्ति सुखी रह सकता है। यदि स्वयं शंकर भी उनके रक्षक हों, तब भी उसका सुखी रहना संभव है। राजन, मैं क्या करूं, मेरी आंखों ने जवाब दे दिया। मुझे बुढ़ापा घेरे हुए है भोपाल, अब मुझे अंधे की सेवा कौन करेगा। राजा श्रेयाती ने कहा, मुनिवार, बहुत से सेवक आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे, आप अपराध क्षमा करें। कारण तपस्वी जन अल्प क्रोधी होते हैं। तो च्यवन जी बोले, राजन, मैं नेत्रहीन हो अकेले रहकर तपस्या करने में कैसे सफलता पा सकता हूं। तुम्हारे सेवक मेरी मनचाही बातें कैसे कर सकेंगे। यदि तुम मुझसे क्षमा करने के लिए कहते हो, तो मेरी बात सुनो। तुम अपनी कमल नयनी कन्या को मेरी सेवा के लिए सौंप दो। महाराज, मैं तुम्हारी इस कन्या से प्रसन्न हूं, इसके साथ रहकर मैं तपस्या करूंगा और ये मेरी सेवा में लगी रहेगी। राजेंद्र, इस प्रकार करने से मैं और तुम दोनों ही सुखी हो सकते हैं। मेरे संतुष्ट हो जाने पर सारे सैनिक भी सुख से समय व्यतीत करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा करने में तुम्हें कुछ भी दोष नहीं लगेगा, कारण मैं संयमशील तपस्वी हूं। तो व्यास कहते हैं, जन्मेजय, च्यवन मुनि की बात सुनकर राजा शरियाती चिंता आतुर हो गए। दूंगा अथवा नहीं दूंगा, ये कोई भी बात उस समय उनके मुख से नहीं निकल सकी। सोचा, ये मुनि अंधे बूढ़े और क्रूप हैं, इन्हें मैं देव कन्या की तुलना करने वाली अपनी इस कन्या को सौंपकर कैसे सुखी हो सकूंगा। भला ऐसा मूर्ख एवं पापी कौन है जो शुभ अशुभ कर्म की जानकारी रखते हुए भी स्वयं सुखी होने के लिए अपनी पुत्री के संसार जनित सुख पर आघात पहुंचाने में तत्पर हो जाए। इन अंधे एवं बूढ़े च्यवन मुनि के समीप मेरी कन्या जिस किस समय किस प्रकार समय व्यतीत करेगी। अतः मुझे दुख भले ही हो, किंतु मैं अपनी सुकन्या इन मुनि को नहीं दे सकता। इस प्रकार विचार करने के उपरांत राजा श्रेयाती उदास होकर अपने घर लौट गए। उनके मन में असीम संताप छाया था। उन्हें मंत्रियों को बुलाकर परामर्श किया और उनसे पूछा, मंत्रियों, अब अपनी सम्मति प्रकट करो, इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए, मुनि को कन्या दे दूं अथवा दुख ही सह लूं। तो मंत्रियों ने कहा, महाराज, ये बड़े ही संकट की समस्या सामने उपस्थित है, हम इस अवसर पर क्या कहें। इस भाग्यहीन व्यक्ति को ये परम सुकुमारी सुकन्या देना तो कैसे उचित हो सकता है। तो व्यास कहते हैं, तदंतर पिता तथा मंत्रियों को अत्यंत चिंतित देखकर सब रहस्य राजकुमारी सुकन्या की समझ में आ गया। अतः वह हंसकर बोली, पिताजी, इस समय आप इतने चिंतातुर क्यों हो रहे हैं। मैं समझ गई आप मेरे लिए इतने दुखी एवं उदास हैं। पिताजी, मैं भय से घबराए हुए मुनि के पास जाकर उन्हें आश्वासन दूंगी और आत्मदान करके उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करूंगी। सुकन्या की बातें सुनकर राजा श्रेयाती का हृदय द्रवित हो गया, साथ ही उनके मुख पर प्रसन्नता की रेखा भी आ गई। मंत्रियों को सुनाते हुए वे उनसे कहने लगे, बेटी, तुम अत्यंत सुकुमारी अबला कन्या वन में इस अंधे मुनि की सेवा कैसे कर सकोगी। ये अत्यंत बूढ़े एवं विशेष क्रोधी भी हैं, भला रूप में रथ की तुलना करने वाली तुम जैसी कन्या का विवाह मैं इस अंधे मुनि के साथ कैसे करूं। अपने सुख के लिए बुढ़ापे से ग्रस्त शरीर वाले मुनि को तुम्हें सौंपना उचित नहीं है।
पिता का कर्तव्य है कि अवस्था जाति और बल में समानता रखने वाले धन धान्य से संपन्न सुयोग्य वर के साथ अपनी कन्या का विवाह करे। निर्धन के साथ संबंध करना कदापि उचित नहीं है। कहां तो तुम्हारा रूप और कहां वन में रहने वाला वह बूढ़ा मुनि। भला एक अयोग्य वर के साथ मेरे द्वारा पुत्री का विवाह कैसे किया जा सकता है? जो पर्णशाला में रहकर निरंतर वनवासी जीवन व्यतीत करता है उनके साथ तुम्हारे संबंध की कल्पना ही कैसे की जाए? मेरी तथा सैनिकों की मृत्यु मुझे श्रेष्ठकर प्रतीत हो रही है, किंतु एक अंधे के हाथ में तुम्हें सौंप दूं ये मुझे पसंद नहीं है। जो होने वाला होगा वह तो होगा ही, मैं अपना धैर्य नहीं छोड़ सकता। तुम शांत चित से रहो, मैं तुम्हें नेत्रहीन को कदापि नहीं सौंपूंगा। राज्य एम ये देर रहे अथवा चला जाए परवाह नहीं, बालके उस नेत्रहीन को मैं तुम्हें देने में असहमत हूं। पिता की यह बात सुनकर सुकन्या उनसे विनय तथा प्रेम पूर्वक कहने लगी। सुकन्या बोली, पिताजी आपको मेरे विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। अब आप मुझे मुनि को सौंप दीजिए, मेरे इस कार्य से संपूर्ण प्राणियों को सुख हो, यह मेरे लिए कितनी अच्छी बात है। मैं संतुष्ट रहकर उन परम पावन मुनि की पति रूप से सेवा करूंगी। ये वृद्ध मुनि निर्जन वन में मेरे द्वारा अत्यंत भक्ति पूर्वक सुसेवित होंगे। कारण मैं सती धर्म को अच्छी प्रकार जानती हूं। पिताजी भोग में मेरी बिल्कुल ही रुचि नहीं है। अनक आप मेरे विषय में सत्ता निश्चिंत हो जाइए। व्यास जी कहते हैं, सुकन्या की यह बात सुनकर मंत्रिमंडल अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। अंत में राजा ने सुकन्या की बात मान ली और वे मुनि के पास जाने को तैयार हो गए। उन तपोधन मुनि के निकट पहुंचते ही मस्तक झुकाकर उन्होंने प्रणाम किया और कहा, स्वामिन मेरी कन्या आपकी सेवा में उपस्थित है। विभव आप इसे विधिपूर्वक स्वीकार करने की कृपा करें। इस प्रकार कहकर राजा क्षीराती ने विवाहिक विधि संपन्न करके अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह मुनि के साथ कर दिया। उस राजकुमारी को पाकर मुनि परम प्रसन्न हो गए। राजा दहेज की सामग्री दे रहे थे किंतु मुनि ने लेना अस्वीकार कर दिया। अपनी सेवा का कार्य संपन्न हो जाए इस विचार से उन्होंने केवल कन्या को ही लेना स्वीकार किया। अब मुनि के प्रसन्न हो जाने पर सब सैनिकों का रोग दूर हो गया। उसी समय से राजा भी परम आनंदित रहने लगा। तब जब राजा श्रेयाती ने मुनि को पुत्री सौंपकर घर चलने का विचार किया तब सुकन्या के मन में उनसे कुछ कहने की इच्छा हुई। सुकन्या ने कहा, पिताजी आप मेरे वस्त्र आभूषण ले ले और मुझे वृक्षों की छाल एवं उत्तम मृगचर्ण देने की कृपा करें। मैं मुनि पत्नियों का वेश बनाकर तपस्या में निरत होकर मुनि की सेवा करूंगी, जिससे धरातल रसातल एवं स्वर्ग में भी आपकी कीर्ति अक्षुण रह सके। पर लोक में सुखी होने के लिए मैं निरंतर मुनि की सेवा में संलग्न रहूंगी। मैंने अपनी सुंदरी एवं तरनी कन्या नेत्रहीन बूढ़े मुनि को सौंप दी और कहीं उसका आचरण भ्रष्ट हो जाएगा तो बड़ा ही अनिष्ट हो जाएगा। इस प्रकार की आप बिल्कुल चिंता मत करें। जिस प्रकार विशिष्ट की पत्नी अरुंधति अत्रि की सादी भार्यांशुया स्वर्ग में प्रसिद्ध हैं, वैसे ही मैं भी धरातल पर प्रतिष्ठा प्राप्त करूंगी। इस विषय में तनिक भी चिंता करना सर्था वांछनीय है। राजा क्षीराती महान धर्मज्ञ पुरुष थे। अपनी पुत्री सुकन्या की बात सुनकर उन्होंने उसे वल्कल वस्त्र आदि दे दिए, परंतु उस पर दृष्टि डालते ही उनकी आंखों में जल भर आया। सुकन्या ने तुरंत वस्त्र और आभूषण उतारकर मुनि पत्नी का वेश धारण कर लिया। महाराज क्षीराती उदास होकर कुछ समय तक वहीं ठहरे रहे। राजकुमारी वृक्ष छाल और मृग चरम धारण किए है, ये देखकर उपस्थित सारी जनता रो पड़ी। सब कांपने लगे, सबके मन में असीम संताप होने लगा। राजन फिर अपने पुण्य में साधी कन्या से पूछकर उसे वहीं छोड़कर राजा श्रेयाती मंत्रियों के साथ अपने नगर को प्रस्थित हो गई।